तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु के लिए और बेहद बेहिसाब दुरूद व सलाम हुज़ूर पर नूर सैयदुल आलमीन खातमुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारक व सल्लम के हुज़ूर नाज़ में। बाद अज़ हम्द व सलात आज की ये तकरीब सईद जो मस्जिद सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा व मदरसा सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के इसमें गिरामी से मंसूब है, इसके इफ्तिताह के लिए हम सब यहाँ जमा हैं और शहजाद सरफराज साहब उर्फ चांद साहब जो इस सिलसिला में काफ़ी मुतहर्रिक हैं और उन्होंने जैसे तैसे मुझे यहाँ बुला ही लिया, तो मैं चंद लम्हात के लिए आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और उनके जुमला मुआविनीन को और इस मस्जिद को तामीर करने वाले और इसमें हर तरह से जिन लोगों ने भी
हिस्सा डालना है। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। कसीर तादाद में उलमाए किराम और दीगर ज़ुआमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नमाज असर हम इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेंगे और उससे पहले पहले मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। चूँकि ये मस्जिद है और मस्जिद की मुनासिबत से एक हदीस मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। अगर कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर फरमा देता है। और ये शर्फ उस अकेले शख्स के लिए ही नहीं है जिसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, बल्कि जिस जिसने भी इस अमल खैर में अपना हिस्सा डाला है ये शर्फ और फजीलत सब के लिए है। तो ये नहायत खुशबख्ती की बात है और इससे भी अगली जो खुशबख्ती की बात है या इससे भी अहम बात है वो ये है कि मसाजिद को आबाद किया जाए। और वाज़े रहे कि मसाजिद की आबादकारी का ताल्लुक उसके खूबसूरत मार्बल और उसकी अच्छी टाइल्स और उसकी पेंटिंग्स और दीगर जो उसके लवाजमात हैं ज़ेबो ज़ीनत और आराइश है इस सब के साथ नहीं है, बल्कि मस्जिद की आबादी दो वजह से होती है। उसमें भी बुनियादी सबब उसका इमाम और ख़तीब है और जो दूसरा सबब है वो अवामुन नास का रुझान है। तो मस्जिद का इमाम जो होगा अगर वो अच्छा हो, एलिजिबल हो और वो अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने वाला हो, वो इस इमामत के इस मनसब के अहल हो, इसकी लियाकत और सलाहियत उसके अंदर हो, तो ये उसकी यानी मस्जिद की आबादी का सबसे बड़ा ज़रिया ये बनता है। आप देखते हैं बहुत सारी मसाजिद बड़ी ख़ूबसूरत हैं, बड़ी मरकज़ी हैसियत है उन्हें हासिल है, बड़े बड़े शहरों में वो मसाजिद आबाद हैं मौजूद हैं, लेकिन उनमें अवामुन नास का रुझान इस कदर नहीं है जिस कदर उन मसाजिद की तरफ है कि जहाँ वाज़ नसीहत करने वाले या बतौर इमाम बतौर कारी बतौर मुदर्रिस कोई शख्स अपनी खिदमात सर अंजाम देता हो और लोग उसके साथ वाबस्ता हों। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, हमारे अवाम भाइयों को इस फ़र्क को समझना होगा कि मसाजिद की आबादी सिर्फ खूबसूरती के साथ नहीं। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसमें जितना भी ज़ेबो ज़ीनत का जो भी मामलात हैं वो करें तो अच्छा है, लेकिन इससे भी अहम है कि इमाम को फैसिलिटेट किया जाए, उसकी अच्छी तनख्वाह मुकर्रर की जाए ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करें और उसका ध्यान इधर उधर ना हो। दूसरा लोगों का रुझान है कि जो क़ुर्ब में बसने वाले हैं सबसे ज़्यादा तो हक़ हमसाईगी के सबब जो बिल्कुल इसके मस्जिद के आसपास लोग रहते हैं उनके ज़िम्मा है कि वो मस्जिद की तरफ ज़्यादा रुझान रखें, मसलन नमाज पंजगाना। और हदीस में भी यही फरमाया गया कि बुनियल मसाजिदुल सलावातुल खम्स, मस्जिदें बनाई ही इसलिए जाती हैं कि उनमें नमाज पंजगाना को अदा किया जाए। हमारे यहाँ महफिलों के लिए भी मसाजिद का इस्तेमाल होता है, ख़तमात के लिए भी दीगर कोई इज्तिमाआत होते हैं, तो ये सानवी हैसियत है। यानी मस्जिद में ये तमाम काम भी अगरचे एक अमर खैर है, नेकी का काम है, इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन इसकी सानवी हैसियत है। मस्जिदें बनी इसलिए नहीं हैं, बनाई तो इबादत के लिए भी हैं, बाकी फिर वाज़ नसीहत और तबलीग और ये सारी चीज़ें सानवी तौर पर इसके साथ जुड़ गई और ये जुड़ी रहनी चाहिए। तो ये लोगों की इस तरफ तवज्जो होना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी अहम बात यह है कि आप माशाल्लाह सब रोज़े से हैं और रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है, बखूर उस तरफ ले जाएं, इधर ले, मुश्किल हो, उस तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ कर। तो
रमज़ानुल मुबारक में दोस्तों का तशरीफ़ लाना, जमा होना, फिर इतना वक्त देना, ये बड़ी बात है। फिर दिन के वक्त इस तरह की एक्टिविटी एक मुश्किल काम है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। मैंने क्या बयान करना है, क्या कहना है आपसे, आप सब बहुत समझबूझ वाले लोग हैं। वैसे भी अब तो सोशल मीडिया ने इतना कुछ हमारे हाथ पर कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ें हमें घर बैठे ही मैसर हैं। तो मैं सिर्फ ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि रोज़ा जो रमज़ान मुबारक चूँकि चल रहा है तो हम रोज़ा रखते हैं, तो इसमें हमें ज़रूर ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक में सिर्फ भूख और प्यास काटना ये रोज़े के मकासद से नहीं है। रोज़े का असल मकसद ये है कि हम अपने गरीब और नादार और इफलास ज़दा जो लोग हैं उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करें। अभी मैं रास्ते में दोस्तों को बता रहा था कि एक हमारे कोई जानने वाले हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि उनके बच्चों की शादी है, निकाह है उनका, तो वो तकरीबन अपनी फैमिली के 25 से 30 अफराद उम्र पर गए हैं इस गरज से कि वहाँ जाकर निकाह करेंगे। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम हराम कह दें या गुनाह कह दें, माज़ल्ला ऐसा तो नहीं, लेकिन शरीयत ने जो मसाइल की और चीज़ों की दर्जा बंदी की है उसमें अगर आप देखें तो इसकी हैसियत क्या है। फिर ऐसा शख्स के जो एक निकाह के लिए यानी एक छोटे से इवेंट के लिए 15 से 20 या 25 से 30 अफराद को वहाँ मदऊ कर रहा है, तो इस वक्त ये रमज़ान मुबारक के दिनों में 2 लाख के करीब एयर टिकट है, सिर्फ टिकट, और 50 से 70 हज़ार रुपये का वीज़ा होगा उम्र का, तो ये 2.5 लाख तो ये हो गया। इसके अलावा अकोमोडेशन, खाना पीना वहाँ, ट्रांसपोर्ट, सारी ये चीज़ें, तो ये कुल मिलाकर 3.5 से 4 लाख रुपया फीकस। अब इसको ज़र्ब दे दें आप 30 से, आप अंदाज़ा करें कि वो शख्स जिसके बारे में हम खुद गवाह हों कि हम जब राशन अपने एरिया में वहाँ तकसीम करते हैं तो वो पास खड़ा होकर कहे कि जनाब इसको भी दें, ये भी मुस्तहिक है, वो हमें निशानदही करे। और जब उसके यहाँ निकाह वगैरह हो, किसी की बच्चे की शादी हो, तो वो 2-3 करोड़ रुपया इत्मीनान से लगाकर तो उम्रे के लिए चला जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मोहब्बत रसूल की अलामत नहीं, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो हुजूर की तड़पती हुई उम्मत के लिए ये दर्द तो नहीं होता कि जनाब तुसी इनू दे दो, फिर दर्द ये होता है कि आपकी हमसायगी में वो भूखा और प्यासा रहता कैसे है। तो इसलिए उम्रा करें, हज करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, ये आमाल खैर हैं, लेकिन लोगों के साथ मिसबिहेव करके, लोगों को मुश्किलात में डालकर या अपने हमसायों का ख्याल ना रख कर, उनकी मुश्किलात और उनकी तकालीफ का एहसास आपको नहीं है तो उम्रे पे उम्रा करते जाएंगे तो इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो तरजीहात मुतय्यन करनी चाहिए हमें कि ये दीन की तरजीहात में नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से 10-20-30 लाख रुपया तो लगा देते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ हमें आउटपुट आखिरत में मिलना है। अब इन सारी चीज़ों का हमें आउटपुट फ़ौरन मिलता है, क्योंकि जैसे ही उम्रे पे जाएंगे, यहाँ चेक इन करेंगे एयरपोर्ट से, उसके अलग से आएंगे कमेंट्स और उसकी एक अलग से सिंपथी मिलेगी, फिर इसके बाद जब हम उस जगह पर आगे पहुँचेंगे वहाँ का चेक इन करेंगे, फ़ोटो लगाएँगे, फिर उम्रा करेंगे, तवाफ़ है, सही है, वो सारी चीज़ें, तो इस पर लोगों से एक दाद और वो चीज़ें तो मिलती हैं, तो इससे ये भी होता है कि वाजिबा क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हाँ, आप तरगीब के लिए या तहदीस नेमत के लिए ये लोगों को बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पर है या हाज़िरी हो रही है जो भी, लेकिन ऐसे के मतलब लोगों के लिए आप कुछ कर ना सकते हो। क्यों? इसलिए कि वहाँ लोगों ने फौरी तौर पर तो आपको कोई जवाब नहीं देना, फिर और दूसरा आप देख रहे हैं कि
आटे के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं और लोग बाज़ जगहों पर इस तरह के कई हादसात भी हो गए हैं, अमवात हो गई हैं। तो ऐसे में कुछ मुखय्यर हज़रात का ये है कि वो अपने घरों में अपने डेरों पर लोगों को बुलाते हैं और उन्हें वहाँ बुला कर दे देते हैं राशन वगैरह। तो मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप ये न करें, इससे लोगों की तजलील होती है। आप एक गाड़ी में, किसी ट्रक में, किसी चीज़ में आप सामान लाद लें और रात के वक्त, मगरिब के बाद आप अंधेरे में कोशिश करें कि लोगों के घरों तक पहुँचाएँ, ये सबसे बेहतरीन खिदमत है। और इसके साथ अगर आप उन्हें कभी भी ज़िंदगी में, जिन्हें आप आटा देते हैं या राशन देते हैं, उन्हें कभी भी ये ना कहें कि तुम फलां पार्टी को वोट दो तो उम्मीद की जा सकती है कि ये आटा कबूल हो जाएगा, समझ रहे बात। तब तो सबको यही चाहिए, फलां के साथ चलो, फलां के मुखालिफ चलो, हमसे राशन ले लो, तो ये इस तरह मुनासिब नहीं है। सो यही है कि रोज़ा ये कोई वर्जिश नहीं है, ये कोई हाइपोग्लाइसीमिया का टेस्ट नहीं है, ग्लूकोज लेवल का या आपकी इंसुलिन का टेस्ट नहीं है, ये एक ईमानी टेस्ट है कि ईमानियात का लेवल क्या है, कि हम लोगों के दर्द को, तकलीफ़ को कितना महसूस करते हैं। तो इसलिए ये सब अर्ज़ किया है कि इस बात को हमेशा पेश नज़र रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौका दिया है इबादत का और इन चीज़ों का, तो इसमें अपने गरीब भाइयों को ज़रूर याद रखें। हदीस में तो यहाँ तक फरमाया कि तुम अपने घर में जो सालन बनाते हो उसमें पानी डाल लो, इसलिए कि तुम्हारे हमसाए को भी वो किफ़ायत करे। तो जिसका इतना हक हो, उस गरीब को अगर सुबह सहरी में कुछ खाने को ही ना मिले या इफ्तार में ना मिले, और आप देख रहे हैं इफ्तार पार्टियों के भी हालात क्या हैं कि अमीर कबीर लोग, बेहतरीन लाइफस्टाइल जिनका है, वो एक दूसरे की दावत करते हैं और करोड़ों रुपया इफ्तार पार्टी पर लगा देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये आपकी दोस्ती है, आपका सियासी ताल्लुक है, आप ये ज़रूर करें, कोई इसमें हर्ज नहीं, लेकिन एक सुफरा और एक दस्तरखान ऐसा भी तो लगाएं जिसमें सारे पुरब जवार के और गांव के गरीब लोगों को इकट्ठा करें और आप अनवाओ अकसाम के खाने उनके आगे रखें। तो अगर ये कोई मालदार शख्स हो जिसके पास काफ़ी लंबी चौड़ी जायदाद है, जिसके पास गाड़ियां हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, जिसके वसाइल अच्छे हैं, इनकमिंग अच्छी है जिसकी, यानी इनकम अच्छी है, तो ऐसा शख्स अगर पूरे महीने में 10 दिन 20 दिन जो उसे तौफीक है अल्लाह की तरफ से, वो एक वसी दस्तरखान लगाए जिस पर ज़रूरतमंद आकर खाना खाएं, तो ये मैं समझता हूँ एक अमले खैर है। लेकिन इससे भी अगला कदम ये है कि गुराबा को ढूंढा जाए कि किस किस घर में वजह गुरबत और वजह इफलास क्या है, ये उससे अगला कदम है। हम मोटे जहन के लोग हैं, हमें बातों की समझ नहीं आती, हम गौर नहीं करते। आप रोज़ाना किसी को खाना खिलाएं और वो रोज़ाना आपके दरवाज़े पर चल कर आए, ये उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी इससे भी किसी कदर। लेकिन अगर आप इसके असबाब ढूँढें कि मसलन उस घर का एक कमाने वाला है और उसका प्रॉब्लम ये है, आप उसको असिस्ट करें, वो नौकरी पर नहीं लगा हुआ तो आप कोशिश करके नौकरी पर लगवा दें, ये उससे भी बड़ी नेकी है। जो रोज़ाना रोटी खिलाएंगे ना उसे, उससे भी बड़ी नेकी ये है। उसके हाँ इन्वेस्टमेंट कम है तो आप 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया डालकर उसकी थोड़ी सी जान सौखी कर सकते हैं, तो आप ये करें, ये असल गुरबत ख़त्म करने का फार्मूला है। वरना तो ये हालात है कि हम राशन के लिए निकलते हैं तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो सारी कौम के ये हालात हैं। आप अभी यहाँ देखा होगा आपने शादियों में, ये जो बारात आती है तो ऐसे जैसे वो एक निकालते हैं ऐसे नोटों का वो दफ्तरी सी वो फेंकते हैं, तो क्या अमीरों के और क्या गरीबों के बच्चे सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं और इत्मीनान से वो पैसे लूटते हैं। और ये हम इस कल्चर को देखकर खुश होते हैं, आप देखते हैं ना ये सब रोज़ होता है, और हम तो नहीं इसको ज़रा भी इस बारे में बात नहीं करते कि यार छोड़ दें ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके गांव में, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे वहाँ सादात भी रहते हैं, तो मैं अक्सर दोस्तों कहता हूँ यहाँ कोई बारात आए
या किसी के हाँ कोई ऐसा प्रोग्राम हो, शादी हो या इस तरह कोई मामला, वो अगर नोट निछावर करेगा, फेंकेगा, तो उसमें सादात के बच्चे भी आएंगे, गैर सादात भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस एरिया की तौहीन है कि अगर यहाँ के बच्चों को 10 रुपए के लिए लपकना पड़े, दूसरे के पीछे भागना पड़े, तो हमारी हैसियत पर, हमारी सलाहियत पर, लियाकत पर और हमारी खिदमात दीनिया और खिदमात समाजिया पर ये क्वेश्चन मार्क है कि हम इन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं कर सके, ये जो 10-10 रुपए के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन ये बहुत बारीक बातें हैं, मैंने अर्ज़ किया, हम इस तरह के मौजूद, ये हमारे लिए कोई इतने खुशाइन नहीं होते। हमारे पास तो मौजूद ये हैं कि कोई लड़ने के लिए हमें वजह बता दे बस, तो हम लड़ेंगे, और कोई ख़ास बस मौजू मिल जाए, कोई किसी ने पोस्ट कर दी उस पर लड़ेंगे, किसी ने बात कर दी उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। तो ये हमारे मसाइल हैं, इनके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। मसाजिद में जो हजरात उलमा हैं, खुतबा हैं, उनके लिए मेरी ये अर्ज़ है, वैसे वो बहुत बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि 90% आपके मुआशरे के मसाइल अखलाकियात पर मबनी हैं। यानी मसाइल, मसाइल का मतलब जितने भी मसले पैदा हुए हैं, बिगाड़ जितना भी है, वो 80-90% अखलाकियात का है। मसलन कोई बंदा कहता है कि मैं फलां जगह पर कारोबार किया था फलां बंदे के साथ, अब वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, अखलाकियात का मसला है। कोई कहता है जी मैं फलां जगह पर ये चीज़ ख़रीदने गया था, मुझे सही नहीं मिली, अखलाकियात। किसी के यहाँ रिश्तेदारी ताल्लुक़ कायम हो गया है, मिसबिहेव करते हैं, ज़्यादा की डिमांड करेंगे, जहेज़ की डिमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें अखलाकियात के दायरे में आती हैं। आज सुबह की बात है, हमारे एक अजीज़ हैं तो कहने लगे कि यहाँ हमारे क़ुरब में एक छोटा सा कस्बा है किला अहमदाबाद, उसका पुराना नाम सोबा सिंह था तो अब अहमदाबाद उसे कहते हैं। आज सुबह एक दोस्त कहने लगे कि उसके यहाँ दही बहुत अच्छी मिलती है, तो लस्सी वगैरह, तो उसके पास जाना है, तो घर के लिए भी कुछ चाहिए था, तो मैं साथ हो लिया। हम सुबह 3 बजे वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जब हम खड़े हुए तो उससे कुछ दही वगैरह कुछ चीज़ें ली। बाद में उससे हमने रेट पूछा कि टोटल तो आपने पैसे ले लिए हैं, लेकिन ज़रा रेट बता दें, दूध आप कैसे बेचते हैं और दही? तो उसने रेट बतलाया, कहा कि 130 रुपये किलो मैं दूध बेचता हूँ और 150 किलो जो है वो दही। तो मैंने कहा कि ये तो थोड़ा महंगा है अब तो मार्केट में इससे, तो आप इतना कम क्यों बेचते हैं? तो उसने कहा कि बस वो हज़रत रमज़ानुल मुबारक है, तो मैं सोचता हूँ कि ये महीना गुजर जाए तो मैं इस महीने में किसी के लिए तंगी का बायस ना बनूं। उसकी दाढ़ी नहीं है, उसकी दाढ़ी नहीं है। मुझे आई वॉज अशेम्ड कि अगर कोई शख्स दाढ़ी रखकर, सर पे इमामा पहनकर, टोपी पहनकर लोगों को खूब उनकी अच्छी तरह तबीयत सेट करे और आने वालों को खूब लूटे, तो मुझे बताएं क्या ये दाढ़ी मुंडा उससे बेहतर है कि नहीं? क्या पैगाम दे रहे हैं हम? नमाज़ें पढ़ पढ़ कर माथे पर मेहराब बन गई है, लेकिन लोगों को हम लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। तो मैंने दोस्त मेरे साथ जो थे उनको बताया, एक हमारा तालिबे इल्म था, मैंने कहा देखो ये लोग, ऐसे लोग भी हैं, ये जाएंगे जन्नत में, और ये बड़े बड़े लोग हिसाब किताब अपने इल्म की बातें और ये सब लेकर शायद लाइनों में लगे रहेंगे इमिग्रेशन की लाइनों की तरह। तो ये अल्लाह की मखलूक का असल दर्द है और तकलीफ़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने 10-20 रुपए छोड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसने बहलोल दाना से ख़रीदी जाने वाली जन्नत की तरह 20 रुपए में ख़रीद लिया जन्नत, ऐसा ही लगता है। मैं सुख का इस बात को मैं शुक्र भी अदा करता हूँ अल्लाह का कि ऐसे एरिया में हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मैंने उसे सलाम भी किया, उसके लिए दुआएँ निकली, और मैं दोस्तों को भी बतलाया, आपसे भी शेयर कर दिया, और ये आज सुबह की बात है। तो ये ऐसे लोग भी हैं, तो बहरहाल उम्मीद की किरण तो मौजूद है, हम ये नहीं समझते कि हर तरफ मायूसी है, लेकिन बहरहाल हमें अपने हिस्से का दिया रोशन करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने ये अहतमाम इंसराम किया है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह सियाम की बरकत
और इसकी रहमतें हम सबको अता फरमाए। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।